आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां सबसे पहले सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही गौशाला में जाकर गायों की सेवा भी की। इसी के साथ जिले में बाढ़ पीड़ितों से भी सीएम मुलाकात करेंगे और इसके दुख दर्द को बांटेंगे। दोपहर बाद वह वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। मयूरी, बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं 2 दिवसीय दौरे पे हैं और सीएम ने आते ही कल हवाई सर्वे के जरिए जो है पूरी तरह से लोगों को देखा, किस तरीके से बाढ़ पीड़ित जो है छतों पर रह रहे हैं। और आपको बता दें, उनकी ऐसे लोगों को उन्होंने राहत देने के लिए भी बात की है। सरकार के द्वारा जो है उनको हर आपदा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। और मयूरी, आपको बता दें कि कल आते ही प्राइम टीवी की जो खबर हम लोग की चली थी उस पे संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बहरामपुर पहुंचते हैं। बहरामपुर के लोगों का जो है हाल जानते हैं और जिस तरीके से उनके फसल को नुकसान हुआ और छतों पर रहने पर मजबूर हुए, उस तरीके से उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी और खतरा हमेशा बना हुआ था। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर नावों को लगवाने का भी निर्देश दिया, साथ में राहत सामग्री बांटी है। बहरामपुर लालडिगी के लोगों से मिलकर के उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ जो है फिर हवाई सर्वे करेंगे और सीधे आपको बता दें कि यहाँ से 11 बजे के आसपास जो है सीएम पहुंच जाएंगे सहजनवा, जहां सहजनवा में वो मिल करके लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे और उनसे चीजों को जानेंगे, किस तरीके से उनको पशु या मत्स्य पालन करने वालों को किस तरीके से नुकसान हुआ है, खेती की कितनी जमीनें थी उनके लिए उन्होंने जो है पूरी तरह से उनको मुआवजा दिया जाएगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा की दर को जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से मुआवजा देना है, उसकी पूरी तरह से सर्वेक्षण होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम और एसएसपी को सख्त निर्देश भी दिया है कि पूरी तरह से सेना को तैयार रखें, पुलिस के चाहे एनडीआरएफ के हैं उनको पूरी तरह से तैयार रखें और पूरी तरह से उस पर जो है निगरानी रखें, किसी तरह की कोई त्रासदी ना हो सके, जबकि अप्रत्याशित किसी भी तरह से बाढ़ में। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। आज 11 बजे के आसपास जो है सीएम पहुंचेंगे सहजनवा, वहां पर जाकर के लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। जी हिमांशु, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाढ़ पीड़ितों से आज सीएम योगी मुलाकात करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल, बता दें, पीड़ितों से मिलने के अलावा जो है उन्होंने पूरी तरह से आज एक मीटिंग करना है। मीटिंग में अधिकारियों को है पूरी तरह से ये करना है किस तरीके से उनको सर्वेक्षण करना है और किस तरीके से जितना नुकसान हुआ है उसको किसानों को और या फिर जितने भी वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको इस बाढ़ में जो उनका नुकसान हुआ किस तरीके से उसकी भरपाई की जाएगी। पुल के बनाने के लिए भी बात हो रही है, जहां पे लोग कट जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हमेशा कट जा रही है गांव से, उन गांवों को जो है पुल के माध्यम से सेतु के माध्यम से जोड़ने की बात की जाएगी, उसके लिए कितने का बजट होता है ये सब अधिकारी वहां पेश करने वाले हैं आज। और काफी इस तरीके से उनको पूरी तरह से लगे रहेंगे सारे अधिकारी और कई कार्यक्रम इस तरीके से है उनको हवाई संरक्षण करना है। सिद्धार्थ नगर, बस्ती, कैलाबाद के अलावा जो है महाराजगंज, ये पूरी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जो है बाढ़ पीड़ितों को देखेंगे और इस तरह सभी को जानने की कोशिश करेंगे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी हिमांशु, योगी आदित्यनाथ कब तक रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि वाराणसी के लिए रवाना होने की बात कही गई है, तो कब तक रवाना होंगे और कब तक गोरखपुर में रहेंगे? देखिए, बता दें, आज जो है कंपेयरगंज के जो है में जाना है, वहाँ भी उनका कार्यक्रम है, जेपी इंटर कॉलेज में वो जाएंगे, वहाँ से संबोधित भी करेंगे लोगों को। इसके अलावा जो है उनको पाली ब्लॉक में भी एक कार्यक्रम है जहाँ पे उनको कार्यक्रम में लोगों को राहत सामग्री बांटनी है। इसके अलावा बता दें कि सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में भी 11:45 पे आधे घंटे तक रहेंगे और इसके बाद वहाँ से 1:30 बजे के आसपास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के लिए रवाना हो जाएंगे। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी, वैज्ञानिक जांच को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर फैसला आएगा, फैसले को लेकर हिंदू पक्ष आश्वस्त दिखाई दे रहा है।
बता दें ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी। जो फैसला टल गया था उसका आज फैसला आने वाला है। वैज्ञानिक जांच को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर आज फैसला आना है। फैसले को लेकर हिंदू पक्ष आश्वस्त दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफताब हमसे जुड़ेंगे। अफताब, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज फैसला आना है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें ज्ञानवापी मामले में आज अहम फैसला आने वाला है। वैज्ञानिक जांच को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला टाल दिया गया था, 14 अक्टूबर की डेट रखी गई थी। वहीं आज शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर फैसला आएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अफताब का। अफताब, ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि आज जो है जिला जज डॉक्टर अजय किस विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले पर शुक्रवार को कोर्ट में आदेश सुना, कोर्ट जो है वो अपना आदेश सुना सकता है, क्योंकि पिछली तारीख को मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो पक्ष रखा गया था उसको सुन करके वहां सुरक्षित रख लिया गया था। आज जो है कोर्ट अपना संभवतः आदेश सुना सकती है। अफताब, क्या लग रहा है किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? देखिए, ये मामला बहुत पुराना है, पक्ष की बात की जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू पक्ष के सिंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की जो सर्टिफिकेट जांच की एप्लीकेशन पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज अजय किश विश्वेश की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अधिवक्ता हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है इस मांग को पर अपना प्रत्युत्तर दिया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट की सुनवाई के बाद बाहर निकले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने आज जो प्रत्युत्तर दिया है, कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग नहीं उस पर जो है कि हमने दोबारा क्लियर किया है, हमने कार्बन डेटिंग नहीं साइंटिफिक जांच की मांग की है। इसको लेकर के अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब आज जो है फैसला क्या आता है वो देखना होगा। अफताब, कितने बजे तक फैसला आ सकता है? देखिए, जहां तक बात की जाए 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, उसके बाद कितनी देर चलता है। हालांकि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी परिसर में और पूरा वाराणसी जो है हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। कचहरी परिसर जो है उसको छावनी में के रूप में तब्दील कर दिया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 बजे के बाद सुनवाई होगी और कितनी देर सुनवाई चलती है वो आगे देखना होगा। अच्छा अफताब, वैज्ञानिक जांच को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा, तो इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, हिंदू पक्ष का वही जो कहना है कि अगर कोई आदेश आता है तो इसको लेकर के हम उच्च न्यायालय जाएंगे जी। और वही मुस्लिम पक्ष का जो कहना है, मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि यह मामला जो है वो सुनने योग्य है ही नहीं, ये सिविल कोर्ट के अंडर में है ही नहीं, ये उच्च न्यायालय सुनेगी या तो वह बोर्ड सुनेगी जी। धन्यवाद आप तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।